गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित मरण गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान नबीसा हैं। ग्राम प्रधान नबीसा को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहाँ के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। लगभग 3200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 910 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही गांव में 12 विधवा पेंशन, 50 वृद्धा पेंशन व 3 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 166 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 82 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 30 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 220 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 82 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में शौचालय, स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, कन्या इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र उस्मान मडन ब्लॉक असमोली जिला संभल से। हमारे यहाँ जो भी सरकारी धनराशि आई हमने उससे बहुत सारे विकास कार्य कराए, सड़कें, सीसी टाइल्स, स्कूल बाउंड्री, स्कूल शौचालय मरम्मत, शौचालय बनवाए, किस आवास बनवाए, लगभग 20 से 25 सड़कें बढ़वाई और जो भी धनराशि हमारे यहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आएगी हम उसका सही से उपयोग करेंगे और विकास कार्य में लगाएंगे। और राज्य सरकार से ये अपील है कि हमारे यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल व कन्या इंटर कॉलेज की ज़रूरत है। वह एक पंचायत भवन की ज़रूरत है और हमारे यहाँ हिंदू समाज के जो शमशान घाट होते हैं उसकी बाउंड्री नहीं है, उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। और राज्य सरकार से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बड़ी ग्राम पंचायत है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए और जिससे कि हम विकास कार्य करा सकें। ग्राम मडन का निवासी नागरिक हूँ, यहाँ के ही रहने वाला हूँ और यहाँ पे गांव प्रधान ने बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं। यहाँ पे इससे पहले जो प्रधान बने उनसे ज़्यादा इस वर्तमान प्रधान ने बहुत अच्छे काम कराए और जहाँ पे हम रह रहे हैं पूरी मार्केट या गंदगी से भरी रहती थी लेकिन ये सब गंदगी इन्होंने दूर कर दी। बिना भेदभाव के पूरे गाँव में विकास कार्य किए हैं और बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं। अब मैं मडन का ग्रामवासी हूँ। हमारी ये सड़क थी पिछली पंचवर्षीय में बहुत गंदी रहती थी। अब जो हमारे ग्राम प्रधान है मौजूदा वर्तमान में इन्होंने इतना काम कराया, देखो आप ये सड़क बहुत साफ भी है और सफाई भी है। पूरे गांव में कई काम हुए हैं और कार्य जो विकास की ओर है।